हाय गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी जे। दिस इज योर अनुपम सर। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का SN2। ठीक है, इस तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी आज हम बात करेंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। जल्दी से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, सबको जवाब जवाब सही आ रही है, सबको सही दिख रहा है। हाय गाइस, हेलो एवरीवन। चलिए तो मुझे स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आपको बता ही देता हूं, है ना। अभी तक नहीं पता है, सो दिस इज अबाउट मी, और ये आपकी पूरी अकेडमी जे की टीम है बच्चों, जो आपके लिए बेहतरीन लेक्चर्स बनाती है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लोगे तो आपको जो है पता लग जाएंगे, सारे सारे अपडेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। उसके साथ साथ बच्चों livedaily.me/je इस वीडियो बुक पे चले जाओगे तो अभी तक जितने भी हमारे YouTube पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है वो सारे के सारे हमने एक ही जगह पर डाल रखे हैं। तो ये एक वीडियो बुक है बच्चों, जिसको लाखों बच्चे डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। आप इसका फायदा उठाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर जो है बना हुआ है। उसी के साथ अगर पूरी अनअकैडमी जेई टीम के साथ जो है तुम लाइव क्लास एनवायरनमेंट में पढ़ते हो तो और बेहतरीन रैंक जो है वो तुम स्कोर कर पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो रैंक है उसके लिए कंसेप्ट स्ट्रांग चाहिए होते हैं। और अगर लाइव इंटरेक्शन के साथ साथ पढ़ोगे ना तो बहुत ही बढ़िया जो है कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। तो लाइव इंटरेक्शन में जो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होता है, और यहां पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं घर बैठे बैठे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है घर बैठे बैठे बहुत बढ़िया रिजल्ट भी लेके आ चुके हैं। ठीक है, 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन बच्चों आप ले सकते हो, एंड उसके अंदर अगर अनुपम लाइव कोड यूज करते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट भी मिलता है। साथ में मुझे भी खुशी मिलती है कि यार आपको ये सारे YouTube के लेक्चर्स बहुत पसंद आए और आप उसे मेरे साथ जो है वहां पर पढ़ना चाहते हो लाइव क्लास एनवायरमेंट में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है बच्चों, जिसके अंदर आपको पर्सनल कोचेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। So, यहां पर बच्चों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके अंदर हम बहुत टाइप के मैकेनिज्म देखेंगे। सो जो हमारे मैकेनिज्म थे उसको मैंने लिस्ट आउट कर दिया था, है ना, एक तरीके से। और ध्यान से देखो, हमारे पास जो लिस्ट थी उसके अंदर सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात करने वाले थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में भी हमारे पास जो है बहुत टाइप के मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। सो आज हम उसी के अंदर से SN2 टाइप का मैकेनिज्म जो है ये स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद SN1 करेंगे, SNI करेंगे, SN2R करेंगे। SN2 मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और स्पेशली जो हमारा चैप्टर आता है एल्काइल हैलाइड्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट आता है। ठीक है जी, उसके अलावा ये सारे सारे मैकेनिज्म बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और तुम्हें एक बार ये मैकेनिज्म के ऊपर ग्रिप आ गई तो तुम्हें पूरा ऑर्गेनिक जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान जो है वो लगेगा। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था बच्चों कि जब हम बात करते हैं यहां पर रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस के अंदर इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि कोई सब्सट्रेट होता है, उस पर कोई रिएजेंट आता है, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, फिर हमने ये भी कल डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि जो रिएजेंट्स होते हैं एसेंशियली दे कैन प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ स्पीशीज, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड जो हमारा रेडिकल्स होते हैं वो, है ना। तो यहां पर जो रिएजेंट्स हैं, ठीक है जी, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज का अटैक जब इनके ऊपर होता है रिएक्टेंट्स के ऊपर, उससे अगर हमारा प्रोडक्ट जो है क्रिएट हो रहा है तो वहां पर हम बोलेंगे कि यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है जी, क्या बोला देखो ध्यान से मैंने, यहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई रिएजेंट है जो कि न्यूक्लियोफाइल हो, है ना, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो और ये न्यूक्लियोफाइल जो है किस पे अटैक करे, रिएक्टेंट पे, और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करवाए। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, एक चीज हटके दूसरी चीज लग जाती है, सब्स्टिट्यूट होना, है ना, एक चीज हटके दूसरी चीज लग जाती है। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन दिस रिएक्टेंट, तो उस मैकेनिज्म को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो है बोलते हैं। जैसे यहां पर इसका वापस से मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्सट्रेट है या रिएक्टेंट है। इस सब्सट्रेट के ऊपर देखो हमारे पास जो है NuC-, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए। सो दिस इज द जनरल नोटेशन फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी, और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर जाके एक ग्रुप जैसे कि एक्स ग्रुप को हटा दे और एक्स ग्रुप की जगह बच्चों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आके खुद लग जाए, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना जी। ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई न्यूक्लियोफाइल जो है तुम्हें देखेगा कि यार रिएक्शन के अंदर तुम्हें न्यूक्लियोफाइल दे रखा है,
या फिर कोई ऐसी स्पीशी दे रखी है जो तुम जानते हो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करती है, और तुम्हें कोई ऐसा वहां पर रिएक्टेंट दिया होगा, सब्सट्रेट दिया होगा जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता हो, तो तुम बोलोगे कि यार यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा रिएक्शन हो सकता है। तो तुम इस तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था अगर तुम्हें याद हो तो। पिछले लेक्चर के अंदर बच्चों हमने न्यूक्लियोफाइल्स डिस्कस करें कैसी स्पीशी न्यूक्लियोफाइल्स का काम कर सकती हैं। तो अगर तुम्हें किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल दिख रहा हो, साथ में कुछ ऐसा दिख रहा हो जिसपे वो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, देन देयर कैन बी अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अच्छा, इसके अंदर जो है यहां पर हम एक और बात करते हैं। देखो यहां पर ये जो एक्स है वो हटके जा रहा है, ठीक है, ये यहां से हटके जा रहा है, एक्स माइनस कुछ हटके जा रहा है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज हमारे पास यहां पर ये है CCl, ठीक है जी, और यहां पर हमारे पास OH माइनस प्रेजेंट है ना। OH माइनस बच्चों हमने पढ़ा कि यार यहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास OH माइनस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ना, हमें पता है कि ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl, ठीक है जी, यहां पर डेल्टा नेगेटिव होगा, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो Cl होता है वो माइनस आई ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को जो है खींचे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है खींचता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो इसलिए यहां पर देखो क्या हो रहा है यार, ये वाला जो OH माइनस है वो इस जगह पर यहां पर आके लग सकता है, क्या लग सकता है, एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की साइड जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, यस, है ना। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहां पर जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट हो सकता है और Cl जो है बच्चों यहां से निकल सकता है, ठीक है, Cl जो है यहां से निकल सकता है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर हो क्या रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल है जी, और हमारे पास यहां पर क्या है, ये एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के अंदर देखो Cl जो है वो यहां से निकल रहा है और इससे हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, इससे हमारे पास ये चीज क्रिएट हो रही है। तो Cl माइनस यहां पर क्या है, Cl माइनस यहां पर हमारा एक लीविंग ग्रुप का काम करेगा, Cl माइनस क्या है यहां पर, एक लीविंग ग्रुप का जो है काम करेगा, तो Cl माइनस गाइस इज अ लीविंग ग्रुप, ठीक है। लीविंग ग्रुप का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, X है ना, जैसे X बोल सकते हो कि यहां पर नया रिलेशनशिप बन गया है, ठीक है, तो जो पहले निकल गया वो हमारा लीविंग ग्रुप है ना, और जो नया आ रहा है वो कौन सा है, OH ग्रुप है। तो जब सब्स्टिट्यूशंस होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लीविंग ग्रुप होना ही चाहिए, है ना, बिना उसके तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। अगर लीविंग ग्रुप नहीं हटेगा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, लीविंग ग्रुप का हटने से ही तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो यहां पर कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लीविंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। और स्पेशली अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, अगर हम यहां पर किसकी बात करें, अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ध्यान से देखो न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अटैक करता है कार्बन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अटैक करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नया आ रहा है वहां पर, ठीक है, और कार्बन पे आ रहा है, तो देखो कार्बन पे जो है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हम क्रिएट कर नहीं सकते, तो यहां पर जो लीविंग ग्रुप है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। एक नया इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो आ रहा है कार्बन के ऊपर और एक पुराना जो पेयर है वो हट जाएगा वहां से, ठीक है, यस, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो कार्बन की साइड आ रहा है और Cl यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको लेके निकल रहा है। तो Cl के ऊपर बच्चों हमारे पास क्या रहेंगे, यहां पर Cl के ऊपर यहां पर टोटल हमारे पास चार जो है इस तरीके से लोन पेयर क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा जो है क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा हमारे पास एक लोन पेयर लेके, है ना, लोन पेयर लेके हमारे पास क्या निकलेगा, लीविंग ग्रुप निकलेगा। लीविंग ग्रुप जनरली क्या होगा, हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगी जो कि जब निकलेगी, क्यों, बिकॉज यहां पर जब निकलेगी ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगी, तो लीविंग ग्रुप हमारे जनरली क्या होंगे, लीविंग ग्रुप हमारे जनरली नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होंगी। तो हमें अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो है तीन पार्ट्स समझ में आने चाहिए। तीन पार्ट्स कौन से हो गए, न्यूक्लियोफाइल होगा, एक सब्सट्रेट होगा, उस सब्सट्रेट में एक लीविंग ग्रुप लगा होगा
और लीविंग ग्रुप जो है वो वहां से निकलेगा, ठीक है। और लीविंग ग्रुप कैसे निकलेगा, जनरली एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बन के निकलेगा, है ना, बात समझ में आती है। यस, अब देखो यहां पर सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये लीविंग ग्रुप जो है वो कितनी आसानी से निकल सकते हैं, कौन ज्यादा आसानी से निकल सकता है, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि यार कोई ब्रेकअप हो रहा है, तो ब्रेकअप होने में हमारे पास जो है जो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, उसमें ज्यादा मैसअप नहीं होगा, है ना। आसानी से जो है अगर ब्रेकअप हो गया हमारे बॉन्ड्स का, तो ज्यादा उसमें फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से हमारा मैकेनिज्म जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो लीविंग ग्रुप्स होते हैं उनकी अलग अलग टेंडेंसी होती है, कुछ बहुत आराम से निकल जाते हैं, कुछ आराम से निकल नहीं पाते, है ना, कुछ को ज्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रेकअप के अंदर। तो हमें ये याद रखना है कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो यार वो हमेशा तभी फेवर्ड होंगे, है ना, वो हमेशा तभी फेवर्ड होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जब निकलने वाला ग्रुप आसान से निकल जाए, वरना तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, तुम्हें लिविंग ग्रुप है ना उसकी एबिलिटी ये याद होनी चाहिए कि कौन से बढ़िया लिविंग ग्रुप्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। और ये काफी हद तक ऑब्वियस सा भी पॉइंट है कि देखो लिविंग ग्रुप हमेशा वही अच्छे होंगे जो नेगेटिवली चार्ज को, है ना, जो नेगेटिव चार्ज है उसको आसानी से संभाल लें, है कि नहीं है। अभी हमने क्या डिस्कस करा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नेगेटिव चार्ज लेके ग्रुप निकलेगा, तो कौन से अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, ऑब्वियसली वही अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे जो कि नेगेटिव चार्ज को आसानी से संभाल लें, हुआ कि नहीं हो गया बार, है ना। तो ध्यान से देखो यहां पर मैंने ये वाला देखो ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो आई माइनस सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है, क्योंकि हम जानते हैं आई माइनस जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास होता है। आई माइनस क्या होता है, बहुत ही बढ़िया स्टेबल हमारे पास ग्रुप होता है। ये हमें कैसे पता है, ये हमें आई माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ से पता है, क्योंकि एच आई जो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग व्हाट, अमंग दीज, है ना जी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि भाई जो आई माइनस होगा वो वीकेस्ट बेस होगा या सबसे स्टेबल आयन होगा, ये हमारे पास सबसे स्टेबल आयन होगा, ठीक है। फिर बी आर माइनस आएगा, फिर सी एल माइनस आएगा, फिर एफ माइनस आएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब आई माइनस जो है अगर हम निकालते हैं, अगर वो रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल से निकलता है तो वो स्टेबलाइज हो सकता है, वो स्टेबल के फॉर्म में क्या है हमारे पास रह सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जैसे अगर मैं कंपेयर करूं CH3- और F- को, ठीक है जी, CH3- और F-, हमें पता है कि यार F- जो है वो तो कहीं ज्यादा स्टेबल होता है CH3- से। इसका मतलब F- को निकालना एज अ लिविंग ग्रुप ये कहीं ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू CH3-, ठीक है। तो ब्रेकअप होने के बाद यहां पर अगर लोग जो है स्टेबल हैं, ठीक है, तो आसानी से ब्रेकअप हो जाता है। अगर अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर मारामारी हो जाती है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन हमारे नहीं हो पाते। CH3- को जो है तुम कभी मत निकालना, CH3- को कभी भी एज अ लिविंग ग्रुप मत निकालना, ये मारामारी मचा देगा वहां पर, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, कहीं ना कहीं वापस से अटैक करने की कोशिश करेगा। तो CH3- तो बिल्कुल भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, बिल्कुल भी निकलने की जो है कोशिश नहीं करेगा, है ना। और उसे कंपेयर किया जाए, अगर वापस से हम यहां पर इसके NH2- OH- के कंपेयर करें, तो ऑब्वियसली उन सब में भी CH3- सबसे घटिया लिविंग ग्रुप है, नहीं निकलना चाहता, ठीक है, बहुत मारामारी मचा देगा वहां पर, बिल्कुल जो है CH3- को जो तुम लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट करना ही मत कभी भी। तो क्योंकि कार्बन की चेन है ना, अब कार्बन की चेन में क्या होगा, तुम्हें बहुत सारे CH3 तो लिखे हुए मिल ही जाएंगे, तो ऐसा मत सोचना कभी हम CH3- को जो है लिविंग ग्रुप की तरह निकाल दे, नहीं, नहीं निकलेगा, ठीक है। CH3- इज वेरी अनस्टेबल, बिल्कुल नहीं निकलेगा, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी हमारे पास होती है, ठीक है जी, है ना। तो सोच समझ के जो है बॉन्ड बनाना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब पागलपना ही हो जाए, ठीक है, ब्रेकअप के बाद। चलो RCOO-, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें PHO- OH- RO-। अब देखो यहां पर क्या है, ये लास्ट वाला जो ट्रेंड है ना, ये जो लास्ट वाला ट्रेंड है ये वैसा ही ट्रेंड है बिल्कुल जैसा हमने स्टेबिलिटी के अंदर डिस्कस किया था, क्या था कि नहीं क्या था, ये बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड है जैसा हमने स्टेबिलिटी में डिस्कस किया था। कि देखो RCOO- जो है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होता है, और इसका रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन कैसा होता है, ज्यादा बढ़िया होता है, बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी,
फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर पीएचओ माइनस की, तो पीएचओ माइनस के अंदर भी रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, बट यहां पर क्या है, यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस, तो ये ज्यादा बढ़िया लिविंग ग्रुप भी है। तो अगर हमारे पास जो चार्ज एटम है वो सेम ही है, चार्ज एटम जो है वो अगर हमारे पास सेम ही है इन द लिविंग ग्रुप, तो हम सीधा सीधा उसके कंपैरिजन कर सकते हैं जैसा हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए तो यार ये हमारे पास और घटिया लिविंग ग्रुप है, और ये हमारे पास आर ओ माइनस, आर ओ माइनस के अंदर जैसे हम बात करते हैं सी टू एच फाइव ओ माइनस, सी थ्री एच सेवन ओ माइनस, वो और भी घटिया लिविंग ग्रुप हमारे हो जाएंगे, वो बिल्कुल जो है निकलना नहीं पसंद करेंगे, आसानी से नहीं टूटेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिखी हुई है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सी चीजें हट सकती हैं, कौन सी चीजें नहीं हट सकती हैं। अब देखो जैसे हैलोजेंस के अंदर बात करें, तो हैलोजेंस के अंदर कम से कम ये जो तीन आयंस हैं, ठीक है, दीज कैन बी कॉल्ड एज गुड लिविंग ग्रुप्स। है ना, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, कम से कम ये हमारे क्या हो सकते हैं, बढ़िया लिविंग ग्रुप की तरह निकल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उसके आगे अगर हम डिस्कस करें जैसे F- OH- NH2-, तो ये सारे के सारे ही हमारे अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास बैड लिविंग ग्रुप्स हैं। F- भी ध्यान रखना, F- भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, F- भी हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो दीज आर जनरली बैड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, RCO- की बात करें अगर, या PHO- की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडरेट लिविंग ग्रुप हो जाता है, तो देखो यहां पर मैंने गुड बैड मॉडरेट जो है वो एब्सोल्यूट टर्म में लिखा है, ठीक है जी, एब्सोल्यूट टर्म में लिखा है। एब्सोल्यूट टर्म का क्या मतलब होता है कि अगर हम इन सभी को कंपेयर करें, जैसे मैं आई माइनस वर्सेज OH- कंपेयर करूं, तो आई माइनस तो बहुत आराम से निकल जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि यह अपने आप में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, और साथ में यह अपने आप में एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो अगर कोई यहां पर न्यूक्लियोफाइल है जो कि आई माइनस को निकालना चाहता है, तो आई माइनस निकल भी जाता है, और अगर उससे कोई हमारे पास ऐसा लिविंग ग्रुप हो जो जिसको आई माइनस निकलवा सकता हो, तो वो वहां पर जो है अटैक भी कर सकता है। तो आई माइनस का क्या है, दोनों बिहेवियर देखा जाएगा, इसके लिए हम स्पेशल रिएक्शन स्टडी करेंगे, इसमें हम स्पेशल रिएक्शन स्टडी करेंगे जिसके अंदर आई माइनस लिविंग ग्रुप का भी काम करता है, आई माइनस न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। तो आई माइनस के दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, इट इज ऑल्सो अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज ऑल्सो अ लिविंग ग्रुप। तो आई माइनस जो है वो निकल सकता है, बट आई माइनस कभी भी बैड लिविंग ग्रुप को नहीं निकाल सकता। आई माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, बट वो बैड न्यूक्लियोफाइल को नहीं निकाल सकता। आई माइनस कभी भी अटैक करके सी एस थ्री माइनस, एन एच टू माइनस, ओ एच माइनस, एफ माइनस, इनको एज ए लिविंग ग्रुप नहीं निकाल सकता। आई माइनस अटैक करके इन लिविंग ग्रुप्स को नहीं हटा सकता, ठीक है, ये इन लिविंग ग्रुप्स को क्या है हमारे पास, नहीं हटा सकता। बात समझ में आती है ना, क्लियर है वाली बात। यस, एफ माइनस इज अ बैड लिविंग ग्रुप, यस, माइनस हमारे पास जो है वो बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता है ना, एफ माइनस हमारे पास बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता। और एफ माइनस के हम रेयरली जो है कुछ रिएक्शंस देखते हैं, अगर देखते हैं तो मैक्सिमम रिएक्शंस में अगर देखोगे तुम, तो यार ये वाले लिविंग ग्रुप्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं, और इसलिए ये वाला जो चैप्टर है बच्चों, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है तुम्हारे एल्काइल हैलाइड्स जो है ना, उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। SN2 वाला जो हम मैकेनिज्म यहां पर पढ़ रहे हैं वो बच्चों एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो जाता है, बिकॉज ये जो हैलाइड्स हैं वो हमारी बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो हैलाइड्स जो है, एल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एल्काइल हैलाइड्स में SN2 मैकेनिज्म बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये वाला चैप्टर एल्काइल और एराइल हैलाइड्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है जी। बात समझ में आती है ना, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और कौन से बढ़िया लिविंग ग्रुप्स हो सकते हैं, तो देखो जैसा मैंने बोला कि स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर स्टेबिलिटी अच्छी है तो आराम से जो है लिविंग ग्रुप हमारे पास निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास ये होते हैं एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, है ना, ये सल्फोनिक ग्रुप जो होते हैं,
यार इनके अंदर तो बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तीन तीन ऑक्सीजन होते हैं जो कि रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होते हैं हमारे पास, तो इनके अंदर तो बहुत बढ़िया जो है हमारे पास स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलता है। और इनके ऊपर अगर कोई हम ग्रुप लगा दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इनको और बढ़िया जो है क्या बना देता है, लीविंग ग्रुप्स बना देता है। तो लीविंग ग्रुप हम किस बेसिस पे देखते हैं, स्टेबिलिटी के बेसिस पे, कि यार वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी जो है वो कितनी स्टेबल है। अगर हमारे पास इस तरीके से सल्फोनिक वाला ग्रुप है और इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, तो बहुत बढ़िया स्टेबिलाईजेशन है, यहां पर बहुत आराम से ये चीज निकल सकती है। तो इसलिए ध्यान से देखो, ये हमारे बहुत ही बढ़िया ग्रुप्स होते हैं। एल्केन सल्फोनेट आयन, दिस इज एल्केन सल्फोनेट आयन। आर हमारे पास क्या है बच्चों, एल्केन है, ये हमारे पास सल्फोनेट आयन है। एल्काइल सल्फोनेट आयन, ठीक है, इस तरीके से सल्फेट आयन, ये हमारे पास एल्काइल आयन है, ये सल्फेट आयन है। टोसाइलेट आयन बहुत इंटरेस्टिंग आयन है, बहुत जगह हम इसको यूज करेंगे, टोसाइलेट आयन। सो ये देखो यहां पर SO3- आयन एंड ये बेंजीन है और एक इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है। ये बहुत बढ़िया हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है, टोसाइलेट आयन इसको बोला जाता है, ठीक है। CF3SO3- आयन, ट्रिपलेट आयन, ट्रिपलेट आयन कैसा दिखेगा, ट्रिपलेट आयन जो है ट्रफल जैसा दिखेगा, इसको बोलते ही ट्रफल से याद आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहां पर ट्रिपलेट आयन CF3, तो ये हमारा सुपर लिविंग ग्रुप होता है ना, ये हमारा सुपरमैन होता है, ये फटाक से निकल के जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती है ना, उड़ के भाग जाता है सीधा सीधा, इसको निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहां पर ये CF3 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होता है, और माइनस आई ग्रुप जो है इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करता है ना। हमने पढ़ा हुआ कि नेगेटिव एनाइंस कैसे स्टेबिलाईज होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। कैटायंस कैसे स्टेबिलाईज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो अगर हमारे पास बहुत बढ़िया रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो बहुत बढ़िया जो है हमारे पास लिविंग ग्रुप है, ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब देखो यहां पर हम बात करें पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो है यहां पर भी उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है 2, SN2। मैंने तुम्हें आज क्या बोला, हम क्या पढ़ने वाले हैं, SN2, सिर्फ SN नहीं बोला मैंने, मैंने बोला SN2 पढ़ने वाले हैं। अब इस 2 का क्या मतलब है, तो ये 2 है बच्चों, ये हमारे केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड बाय मॉलिक्यूलर वर्ड के लिए, बाय मॉलिक्यूलर वर्ड के लिए 2 यूज किया जाता है, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर, है ना। तो जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम ये 2 वर्ड का यूज करते थे या बाय मॉलिक्यूलर वर्ड का यूज करते थे, वो किसके लिए करते थे, वो इसके लिए करते थे कि भाई अगर सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में स्पेसिफिकली जैसे हम RDS को स्टडी करें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं ताकि रिएक्शन हो सके, तो वो हमारे पास बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ करती थी, वो देखिए नहीं होती थी है ना जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किससे रिलेटेड है, बाय मॉलिक्यूलर, कि कितने मॉलिक्यूल्स तुम्हारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो है अवेलेबल होते हैं। या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली RDS की बात करूं, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी होता है वही हमारे पास क्या हो जाता है, ऑर्डर भी हो जाता है, वही हमारे पास क्या हो जाता है, ऑर्डर भी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो 2 है, दिस इज मेनली यूज फॉर बाय मॉलिक्यूलर, बट इट कैन ऑल्सो बी सिनोनिमस टू योर ऑर्डर। जो ऑर्डर होता था है ना, वो हमारे पास कैसा था कि अगर हमारे पास सपोज एक RDS है, और RDS जो है वो दिया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास सपोज 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर ऑर्डर जो है उसको 2 ही बोल देते थे। सो एसेंशियली किसी एलिमेंट्री स्टेप की हम बात करते थे, है ना, एलिमेंट्री स्टेप की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्री स्टेप है, तो हमारे पास ये जो 2 है वो किसके लिए रिप्रेजेंट हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलैरिटी या ऑर्डर किसी को भी यूज कर लेगा, बिकॉज दोनों ही हमारे पास टर्म जो है वो सेम निकल के आती है। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो है नया आया है ना, ये हमारे पास नया बॉन्ड बनाने के लिए स्पीशी आई, और उसने जो है पुराने वाले बॉन्ड का ब्रेकअप करा दिया, ठीक है। इसको मैंने पहले पिछले वाले लेक्चर में डिस्क्राइब करा था, देखो ये कुछ ऐसा है, OH- है, ठीक है जी, और हमारे पास H है, ठीक है जी, Cl है। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हमारे पास OH- जो है वो अपना लोन पेयर लेके जा रहा है इस कार्बन की तरह, और ये जा ही क्यों रहा है, क्यों इसको वहां पर अट्रैक्शन फील हो रहा है कार्बन की तरफ, इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें आंसर दिया था,
कि देखो यहां पर जो Cl है, Cl हमारे पास कैसा है, एक माइनस आई ग्रुप है। ये माइनस ग्रुप जो है क्या करेगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, यहां डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर अगर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है ऑब्वियसली किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर यही चलता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या है, अट्रैक्शन, यही चलता रहता है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट होगी, और वहां पर एक बढ़िया लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये देख रहा है कि यार मैं जो है यहां पर जा सकता हूं और यहां पर ब्रेकअप करा सकता हूं। ब्रेकअप करने पे जो एक्स है वो तो बहुत आराम से निकल रहा है, वो बढ़िया लीविंग ग्रुप है, तो मैं यहां पर जाके नया बॉन्ड बना लेता हूं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है इसके अंदर अट्रैक्शन वाला पॉइंट है। अट्रैक्शन हो रहा है किसके बीच में, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां पर अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, अगर यहां पर अट्रैक्शन जो है वो नहीं होता, अब जैसे सपोज मैं बात करूं मेरे पास CH4 है, अब CH4 के कार्बन की साइड OH- जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इस कार्बन पे कोई नेट चार्ज ही नहीं है, नेट पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने आप में स्टेबल एनायन भी बनाने चाहिए। ठीक है जी, स्टेबल एनायन बनाने चाहिए। अगर सपोज OH- ने यहां पर अटैक करा और इसने ये बनाने की कोशिश करी OH, और इसने क्या निकाला, सपोज H- निकाला, तो क्या ऐसा हो पाएगा, H- क्या हमारे पास बन पाएगा क्या, O नेगेटिव के कंपैरिजन में, O नेगेटिव के कंपैरिजन में H नेगेटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। ऑब्वियसली OH- ज्यादा स्टेबल है। तो भाई अगर हमारे पास एक ज्यादा स्टेबल स्पीशी है तो वो रिएक्शन के अंदर एक कम स्टेबल आयन नहीं क्रिएट कर सकता, कम स्टेबल आयन जो है वो नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है जी, कम स्टेबल आयन नहीं क्रिएट हो पाएगा। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी है और वो रिएक्शन में एक नया नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रही है, तो जो हमारे पास नया वाला नेगेटिव चार्ज है ना, नया वाला नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, है ना, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो ही जाके ये वाली रिएक्शन हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बोल रहा था जैसे यहां पर CH3- कभी मत बनवाना, H- कभी मत बनवाना, क्योंकि ये स्टेबल होते ही नहीं है। ये बिल्कुल जो है अपने ऐसे आयंस होते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनका रिएक्ट करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो देखो इस तरह की रिएक्शन में जब हम बात करते हैं इस स्टेप की, है ना, तो उसमें एक हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल आके एक बढ़िया लीविंग ग्रुप को निकाल रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, यहां पर तुम्हें कुछ चीज दिख रही होगी कि देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आए और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आए और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ये जो होता है हमारे पास साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये जो हो रहा है हमारे पास क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब कि देखो यहां पर अगर ये रिएक्शन हो रही है तो जब ये इसके पास आया तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है जी, यहां पर वो अपना नया बॉन्ड देखो बनाएगा, ऑक्सीजन जो है वो अपना नया बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बना रहा है, और कार्बन जो है वो अपना यहां पर पुराना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ नया बॉन्ड बना रहा है, कार्बन सीएल के साथ जो है यहां पर पुराना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये चीज क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली हमारे पास हो रही है, एक साथ हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा एक के बाद एक स्टेप होगा, नहीं, ये एक साथ हमारे पास स्टेप हो रहा है। तो ये जो हमारे पास वो जो चीज होती है ना, ये जो चीज होती है जिसके अंदर हमारे पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड्स बिल्ड हो रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, ये कहां पर पढ़ा हुआ है, काइनेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है, और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। क्यों एनर्जी हाई होती है, बिकॉज यहां पर जो बॉन्ड्स हैं वो हमारे क्या है, आधे कच्चे पक्के बॉन्ड्स हैं, अभी पूरे बॉन्ड्स जो हैं वो यहां पर क्रिएट नहीं हुए, तो ये कच्चे से बॉन्ड है, तो कच्चे बॉन्ड होने की वजह से यार ये चीज ट्रांजिशन स्टेट जो होती है बहुत ज्यादा स्टेबल होती नहीं है। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारा क्या बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होगा, प्रोडक्ट जो है वो क्या क्रिएट होगा, एच 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 प्लस सी एल माइनस। ठीक है जी, क्या क्रिएट होगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास ये होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, यहां पर ये भी बता पा रहे हो, ग्राफ में सबसे ऊपर देखा जाता है, जिसने काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है उसको पता होगा, काइनेटिक्स में हम क्या देखते हैं कि यार ग्राफ में ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ऊपर वाले पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, तो वो भी चीज हम यहां पर आज ड्रॉ करेंगे, वो चीज हम आज यहां पर क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले।
तो SN2 रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या होता है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारे पास इस तरीके से होती है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होती है और जो हमारे पास यहां पर मैकेनिज्म होता है वो एक सिंगल स्टेप के अंदर खत्म हो जाता है, या एक सिंगल स्टेप में बन गया, मतलब ये जो है पास में आए, ठीक है जी, यहां पर ये स्टेप हुआ, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी और ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधा प्रोडक्ट बन गया फाइनल। तो यहां पर क्या, एक सिंगल स्टेप में हमारी रिएक्शन खत्म हो गई। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड SN2 रिएक्शंस, है ना। अब SN2 रिएक्शन जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे ये आइडेंटिफाई करने में कि साहब यहां पर जो है हमें SN2 लगाना है, SN2 मैकेनिज्म जो है वो करवाना है। मतलब तुम्हारे पास रिएक्शन लिखी हुई आई और उस रिएक्शन में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि मैंने तुम्हें जो इतने सारे मैकेनिज्म दिखाए उसमें से कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई होगा। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि SN2 सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करते हैं, SN2 रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर देखो वो फैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं। फैक्टर्स क्या हमारे पास, लीविंग ग्रुप। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक बढ़िया लीविंग ग्रुप है तो SN2 जो है वो हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे क्या है गुड लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, तो हमारे SN2 मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कैसे न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए, ठीक है जी। क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जिनको कोई भी शर्म ना आए अपना नया बॉन्ड बनाने में, ठीक है। जिनको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए अपना नया बॉन्ड बनाने में, वो जो है पुराना बॉन्ड ब्रेक करके नया बॉन्ड बनवा दें। ऐसा नहीं वो ये सोचें कि यार ये पुराना वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तब जाके मैं अप्रोच करूंगा, नहीं। वो होते हैं हमारे पास मॉडरेट या वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि भाई मेरे को यहां पर जुड़ना है, मेरे को नया बॉन्ड बनाना है, भले पुराना वाला बॉन्ड टूट जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स हमने कल डिस्कस भी किए थे, जो आसानी से हमें क्या दे दें, आसानी से हमारे पास लोन पेयर्स को दे दें, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए तो हमारे पास SN2 को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, SN2 को प्रमोट करते हैं, बहुत बढ़िया। सबस्ट्रेट की बात करें RX, ठीक है, कि सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए या रिएजेंट कैसा होना चाहिए, सॉरी रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए जिसपे SN2 प्रेफर्ड हो, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जहां पर आसानी से, है ना, जहां पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे, जहां पर आके न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सके, वो हमारे क्या होते हैं, प्रिफर्ड होते हैं, वो प्रिफर्ड सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, वेयर सबस्ट्रेट वेयर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजिली। अभी हम सब चीजों को जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, ये तो बस मैं समरी बता रहा हूं तुमको, दिस इज अ समरी, ये क्या है, समरी है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीजों को कि लिविंग ग्रुप जो है कौन से, जैसे मैंने डिस्कस कर दिया कि बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन से हैं। अभी हम न्यूक्लियोफाइल का डिस्कशन करेंगे, कौन से हमारे अच्छे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सबस्ट्रेट का डिस्कशन करेंगे, कौन से सबस्ट्रेट में ज्यादा आसानी से SN2 फेवर्ड होता है। तो ये तुम्हें क्या है, यहां पर पढ़ के प्रैक्टिस करके याद हो जाना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ मुझे दिखेगा तो मैं SN2 कराऊंगा, है ना। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि ये रिएक्टेंट है, ये ऐसा मेरे पास यहां पर सबस्ट्रेट है, ऐसा मेरे पास रिएजेंट है, तो मैं क्या कराऊंगा, यहां पर SN2 मैकेनिज्म करवाऊंगा। बिकॉज मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें मैकेनिज्म जो है वो समझ में आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म जो है वो लगेगा, क्योंकि तुम हजारों रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक की बना सकते हो। अब हजारों रिएक्शन बना के सब चीजों को रट तो नहीं सकते, है ना। हजारों जो है, हजारों क्या लाखों हो सकती हैं, लाखों जो है तुम्हारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं, लाखों सबस्ट्रेट पे तुम जो है लाखों रिएक्शन करा सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हैं। तो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए कि अरे ऐसा मॉलिक्यूल है तो ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है जी। और यहां पर सॉल्वेंट जो है बच्चों, सॉल्वेंट भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि कौन से सॉल्वेंट में प्रेफर्ड होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहां पर लिविंग ग्रुप तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, लिविंग अच्छे लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं। बढ़िया न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, कल भी हमने उसका डिस्कशन करा था, आज हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इनको जरा याद कर लेते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमारे पास
कौन से ऐसे होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स जो कि SN2 रिएक्शन शो करते हैं, है ना, SN2 रिएक्शन शो कर पाते हैं। तो ध्यान से देखो, ये हमारे ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स, ध्यान से देखो, फॉस्फोरस पे यहां पर जो है तीन तीन हमारे इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और वहां पर एक लोन पेयर है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ये बढ़िया से SN2 रिएक्शन करवाता है। SH माइनस अगेन थर्ड पीरियड का एलिमेंट, बहुत आराम से जो है लोन पेयर डोनेट कर सकता है। I माइनस, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था बच्चों, कि ये बहुत बढ़िया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। फिर नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर है, ये भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन पे CN माइनस है और CN माइनस पे यहां पर जो है डोनेटेबल लोन पेयर है, ये भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। CH3 CH2 ट्वाइस 3N, यहां पर ये भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। OH माइनस की बात करें, ये भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। CH3O माइनस की बात करें, ये भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। ये सारे के सारे आराम से रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है जी, आराम से हमारे पास क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स पे अटैक कर सकते हैं, इनको दिक्कत नहीं आती। मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल कैसे हो जाएंगे, आई माइनस से थोड़ा वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है, बीआर माइनस से मॉडरेट हो जाता है। फिर बात करते हैं देखो NH3 की, इट्स अ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। CH3 SCH3 ये मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। Cl माइनस ये मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। CH3 CO माइनस ये मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। ये भी हमारे क्या है, ये हमारी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दीज आर मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल्स की। तो ध्यान से ये चीज ध्यान रखना, F माइनस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी नहीं होता, ये अच्छा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होता। वाटर सिंपल सा H2 लिखा हुआ है, H2 इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। CH3OH इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ये सारे के सारे वीक न्यूक्लियोफाइल। अच्छा यहां पर तो तुम कंपेयर कर ही सकते हो, देखो इन दोनों को तो तुम आराम से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, है ना, इन दोनों को आराम से कंपेयर कर सकते हो। क्या इसकी जो न्यूट्रल स्पीशी है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। फिर अगर हम जैसे CH3CO- की बात करें तो यार ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से आराम से जो है इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो इट्स अ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, को बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं। ये जो चीजें लिखी हुई है ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जो चीजें लिखी हुई है बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है ये हमारे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल्स का काम करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। सारे न्यूक्लियोफाइल्स नोट करें, बिल्कुल यहां पर जितना भी लिखा हुआ है यार वो तो सारे नोट करते ही जाओ, ये धीरे 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 तुम्हें जब अप्लाई करने को आएगा तब तुम्हारे फंडे जो हैं स्ट्रांग होते जाएंगे, है ना। तो देखो हमने न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर ली कि यार SN2 के अंदर कौन सा प्रेफर्ड होगा, ये न्यूक्लियोफाइल्स जो है मेनली हमारे पास SN2 के अंदर प्रेफर्ड होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास SN2 जो है रिएक्शन बहुत आराम से करा देते हैं, इनको दिक्कत नहीं आती। फिर हम आते हैं बच्चों सबस्ट्रेट के ऊपर कि कौन से सबस्ट्रेट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि SN2 फेवर्ड होगा। तो सिंपल सी बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस का बच्चों यहां पर फंडा लगाना है। मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें देखो यहां पर यह बताया था कि कौन से वाले हमारे सबस्ट्रेट फेवर्ड होते हैं। देखो सबस्ट्रेट वेयर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजीली, आसानी से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके वहां पर अटैक करके अपना लोन पे डोनेट कर दे, वो होते हैं हमारे पास अच्छे सबस्ट्रेट। किसके लिए, SN2 मैकेनिज्म के लिए। और ये SN2 की बात कर रहा हूं मैं, SN2 स्पेसिफिकली, SN2 सिर्फ SN की बात नहीं कर रहा, क्योंकि SN में दो तीन टाइप के हम देखने को मिलेंगे, SN1 होगा, SN2 होगा, SNI होगा, अलग अलग मैकेनिज्म होंगे। SN2 की बात करूं, SN2 में कहां प्रेफर्ड होगा, जहां पर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सके। तो इसके अंदर कौन सा वाला फंडा लगता है, इसके अंदर भीड़ भाड़ वाला फंडा लगता है कि ज्यादा आसपास भीड़ है तो अटैक करना मुश्किल है, भीड़ कम है तो अटैक करना जो है वो ज्यादा आसान है, है ना। तो इसी के बेसिस पे देखो मैं तुम्हें यहां पर दिखाता हूं कि अगर जैसे हम बात करते हैं इसकी मिथाइल की, ठीक है, वन ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, है ना, ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड है, इसके अंदर तो देखा जाए, है ना, तो जो टर्शियरी है 3 डिग्री कार्बन वाला, ये वाला भाई साहब, यहां तो बहुत ज्यादा हमारे पास क्या रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, ठीक है जी, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, बहुत सारे ग्रुप जो है आसपास लगे हुए हैं, ये नहीं आ पाएगा ऐसे, ये यहां पर आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। Yes.
है ना जी, तुम्हें दिख रहा है यार, अगर यहां पर OH माइनस को अटैक करना है तो भाई बहुत दिक्कत होगी, बीच में जो है बहुत सारे रोड़े अटके हुए हैं, ये अपना प्यार का इजहार बहुत आसानी से नहीं कर पाएगा कार्बन को, बीच में बहुत सारे जो है भाई बंधु बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसको आसानी से पार नहीं जाने देंगे। जबकि अगर मिथाइल की बात करें, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो OH माइनस जो है ना, यहां पर क्या कर सकता है, बिना किसी रुकावट के यहां पर जाके अपना प्यार का इजहार कर सकता है, BR यहां से निकल जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस या भीड़ भाड़ इफेक्ट, सिंपल सा हमारे पास जो होता है, ठीक है, भीड़ भाड़ इफेक्ट, जहां पर भीड़ भाड़ होती है, ठीक है, इट डिक्रीजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ SN2, ठीक है, भीड़ भाड़ का मतलब जानते हो ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की हम यहां पर बात करें, है ना जी, सिंपल सी बात है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, फॉस्फोरस से रिलेटेड था बेटा, ध्यान से देखो, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जिसपे तीन एथाइल ग्रुप लगे हुए, ये हमारे पास बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, उसके बाद SH-I-, ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है जी। जैसे यहां पर भी यही वाला एग्जाम्पल करके देखते हैं, देखो ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, इसके अंदर क्या होता जा रहा है, ब्रांचिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। पहला वाला जो कंपाउंड है देखो वो कैसा है, सीधा स्ट्रेट चेन है, लीनियर है ना जी, लीनियर है हमारे पास। फिर यहां पर देखो ये क्या है, यहां पर हमारे पास ये है, ठीक है जी, यहां पर देखो हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास ये है। तो इनमें अगर रेट कंपेयर की जाए ना, है ना, मतलब यहां पर अगर कंपेयर की जाए कि कहां पर जो है SN2 रिएक्शन आराम से हो जाएगा, तो देखो इसके अंदर जो है बहुत आराम से SN2 रिएक्शन हो जाता है और कहीं ज्यादा फास्टर होगा एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। मतलब यहां पर चलो एक हटा देते हैं ताकि तुम्हें रिलेटिव की फील आ जाए, यार इसके अंदर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना, इसके अंदर तो अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहां पर अटैक जो है उसके लिए आसपास बहुत सारा जो है घेराबंदी करके यहां पर CH3 बैठे हुए, तो ये अटैक हमारे पास आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है जी, यस, बात समझ में आती है। तो ये जो है ना, दिस कैन बी रिटन एज द रेट ऑफ SN2, है ना जी, अगर मुझे लिखना हो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस कर रखा है, काइनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक्स को अगर मैं पूछूं कि यार इन तीनों के अंदर काइनेटिक्स जो होगी वो SN2 के, SN2 मैकेनिज्म की काइनेटिक्स कैसे होगी, तो हम बोलेंगे कि यार जहां पर हमारे पास भीड़ कम है वहां पर SN2 बहुत आसानी से हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, काइनेटिक्स ज्यादा होगी, जहां पर भीड़ ज्यादा है वहां पर काइनेटिक्स जो है वो कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, मुश्किल से रिएक्शन हमारी हो पाएगी, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, है ना। आइसोब्यूटाइल, अच्छा ये ले लो यार, ये हमारे पास थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसा बना लेते, यहां पर भी देखो यही चीज है, यहां पर भी अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन में मुझे क्या देखने को मिलेगा कि 1, 2, 3, ठीक है, और इन सब की जो फोर्थ है टर्ट ब्यूटाइल, उससे तो बहुत ज्यादा होगी, टर्ट ब्यूटाइल की मतलब बहुत ही कम तुम्हारे पास SN2 रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN2 की बहुत कम होगी, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर कुछ इस तरीके का आएगा, रेट ऑफ SN2, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, है ना। चलिए अच्छा, और कहां पर तुम्हारी SN2 फेवर्ड नहीं होती है, और कहां पर SN2 फेवर्ड नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि यार इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, और इस पर डायरेक्टली जेई क्वेश्चन भी बना के दे चुका है पहले। इन तीन चीजों पर ध्यान रखना कि तुम्हारा SN2 जो है वो नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होगी अगर SN2 यहां पर कराओगे तो।
ये तीन टाइप के सबस्ट्रेट, विनाइल सबस्ट्रेट, एराइल सबस्ट्रेट या हमारे पास ब्रिज सबस्ट्रेट, इनका क्या मतलब है ध्यान से देखो। विनाइल का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी एल जी है ना, ये लगा हुआ है, ठीक है जी। तो अगर सपोज यहां पर अटैक होके ब्रेक करना चाहे न्यूक्लियोफाइल, तो ये जनरली आसानी से नहीं होता। और ऐसा जनरली आसानी से इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज जैसे अगर हम लिविंग ग्रुप्स की बात करें, बढ़िया लिविंग ग्रुप्स की बात करें, तो जो यहां पर जो बढ़िया लिविंग ग्रुप्स होते हैं उनमें जनरली क्या रहता है, रेजोनेंस रहता है। कैसा रेजोनेंस, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड सी, सपोज मैंने यहां पर सी एल लगाया, ठीक है, ध्यान दो ये वाला रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है, है ना। तो इसकी वजह से जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा हमारे पास, रेजोनेंस हाइब्रिड में देखो क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में ये वाला जो बॉन्ड है भाई वो हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ठीक है जी, वो हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एराइल की अगर हम बात करें, देखो एराइल के अंदर वैसा ही केस है हमारे पास, कुछ एराइल के अंदर क्या हमारे पास वैसे ही कुछ केस है। एराइल का क्या मतलब है, एराइल का मतलब देखो हमारे पास ये है, सपोज मैं ऐसे लगा दूं, यहां पर भी यही दिक्कत है, ठीक है जी, यहां पर भी रेजोनेंस हो सकता है, तो रेजोनेंस होगा तो यहां पर भी हमारा क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, डीबी का मतलब क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ब्रिज की बात करें, अच्छा ब्रिज की बात करें अगर, तो ब्रिज के अंदर अलग दिक्कत है, जैसे ये है सपोज हमारे पास, इसके अंदर भी क्या होता है, अटैक करना मुश्किल होता है ना, इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल है, वापस से वही स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ब्रिज के अंदर भी कौन सा, ये ब्रिज हेड कार्बन पे अगर हमारे पास क्या लगा हुआ है, ब्रिज हेड कार्बन पे हमारे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो, इन केसेस में हम कराते ही नहीं है, है ना, वी डोंट प्रेफर SN2 इन दीज केसेस, इन सारे केसेस में हम SN2 जो है वो नहीं कराएंगे। और इनफैक्ट देखा जाए तो यार यहां पर सब्स्टिट्यूशन कराना ही बहुत मुश्किल होता है, कैसा भी सब्स्टिट्यूशन ले लो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन कराना मुश्किल होता है, क्यों, बिकॉज माना कि Cl एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है, माना कि Cl एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है, बट अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुमने अगर वहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आ दिया, है ना, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पर लेके आ गए तो मुश्किल हो जाएगी, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, Isn't it? तो डबल बॉन्ड को तोड़ना अगर मुश्किल है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर इसका ब्रेक होना बहुत मुश्किल है, ये हमारे पास ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियोफाइल को और एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं यार वो ऐसा थोड़ी ना है कि और ज्यादा एफर्ट लगा सकता है, ठीक है, और ज्यादा एफर्ट का यहां पर कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है कि यार वो अट्रैक्ट होगा, अगर सामने वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हो जाएगा, नहीं हो रहा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि यार वो जो है उसके पास बहुत ज्यादा वो है ना एनर्जी है कि भाई अगर आसानी से ब्रेक नहीं कर रहा है तो मैं जबरदस्ती जो है वहां पर टक्कर मारता रहूंगा, अरे टक्कर मारने वाली बात नहीं होती है, ठीक है, टक्कर मारने वाली बात नहीं है कि जबरदस्ती टक्कर मारते जो है टूट जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर है टूट सकता है तो टूट जाएगा लिविंग ग्रुप, नहीं टूट सकता तो नहीं टूट सकता, पार्शियल डबल बॉन्ड है तो नहीं टूट पाएगा, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड है तो टूट नहीं पाए, सिंपल सी बात है, ठीक है जी, है ना। चलो जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं, है ना, यहां पर देखो, यहां पर तुम्हें मैकेनिज्म जो है ना वो दिखना चाहिए कि कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई होगा और क्यों होगा, ये दिखना चाहिए। जैसे देखो हमारे पास ये बेंजाइल क्लोराइड है CH2Cl, इस पे बेंजीन लगा हुआ है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर हमारे पास एक कार्बन है और यहां पर एक Cl है, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है, Cl एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है,
गुड लिविंग ग्रुप। यहां पर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होने की वजह से यहां पर क्या है जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है, ठीक है जी। यहां पर लो स्टेरिक हिंड्रेंस है हमारे पास, लो स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है जी। OH माइनस की अगर हम बात करें तो OH माइनस अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ गुड या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। यहां पर देखो यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता, सीएल का यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, देयर इज नो रेजोनेंस हियर। रेजोनेंस के लिए सीएल डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए बेंजीन के, है ना। तो हमें यहां पर मैकेनिज्म दिखना चाहिए बेस्ड ऑन गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लिविंग ग्रुप एंड लो स्टेरिक हिंड्रेंस, एसएन2 मैकेनिज्म हो सकता है, है ना। मैकेनिज्म हमें दिखना चाहिए कि यार ये मैकेनिज्म यहां पर हो सकता है बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, बढ़िया लिविंग ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना। क्या करा देंगे हम, एसएन2 रिएक्शन करा देंगे। एसएन2 रिएक्शन में क्या कराएंगे, यहां पर इस O का अटैक इस कार्बन पे होगा, लीविंग ग्रुप हमारे पास हट जाएगा, ठीक है जी। क्या बनना चाहिए यहां पर, यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए बेंजीन सी ओ एच प्लस सी एल माइनस। अब हमें रिएक्शन रटनी नहीं है, ये रिएक्शन ऐसा नहीं है रटनी नहीं है, यही तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है। इनऑर्गेनिक में जो है फिर भी रट के काम चल जाता है काफी रिएक्शन, हालांकि तुम उसको समझ भी सकते हो, पर इनऑर्गेनिक जैसे उसमें तो आराम से रट के काम चल जाता है। ऑर्गेनिक में रटना नहीं है रिएक्शन को, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना है, इस तरह के मैकेनिज्म कि देखो यहां पर क्या है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, यहां पर एक बढ़िया जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर ये सबस्ट्रेट में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, तो OH- यहां पर अटैक करके इसको निकाल सकता है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। बात समझ में आई, है ना, मजा आया। सॉल्वेंट का भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सॉल्वेंट का हम यहां पर डिस्कशन करते हैं, उसकी चिंता मत करो। है ना जी, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला। अब इसमें देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिनोक्साइड आयन दिया हुआ है, आयोडोमीथेन दिया हुआ है, फिनोक्साइड आयन दिया हुआ है, सी एस थ्री आई आई माइनस बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, सी एस थ्री जो है उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत स्टेबलाइज्ड है, बट स्टिल इट्स नॉट वेरी मच स्टेबलाइज्ड, है ना। ये स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस की वजह से, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है। तो हमने जैसे बात करी थी CH3CO-, अब CH3CO- तो एक मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल था और वहां तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है, और फिनोक्साइड के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कम होता है, तो ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं हुआ, इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर सकता है यहां पर, है ना। कहां पर अटैक कर देगा कि भाई सी एस थ्री आए हमारे पास और हमारे पास फिनोक्साइड आयन दिया हुआ है, ठीक है। ये यहां पर अटैक करके कार्बन पे आई को हटा देगा, क्या बना देगा यहां पर, यहां पर सी एस थ्री ओ बेंजीन ये बना देगा प्लस आई माइनस, ठीक है जी। क्या हुआ यहां पर, हमने मैकेनिज्म देखा, रिएक्शन नहीं रटनी है, मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसा सबस्ट्रेट है, कैसा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी है। SN2 यहां पर मैकेनिज्म हो रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, तो हम ये मैकेनिज्म करा के क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन करा देंगे न्यूक्लियोफाइल की जगह, है ना, न्यूक्लियोफाइल लगा देंगे लिविंग ग्रुप की जगह, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, ठीक है जी। यहां पर देखो, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें ये वाला सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ये SH- हमें दिख रहा है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, Br- जो है बहुत ही बढ़िया क्या होता है, हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां पर ये रिएक्शन हो सकती है, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसको हटा देगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहां पर, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, Br हट जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा, SH लग जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हमारे पास SN2 मैकेनिज्म, इसके अंदर हमें दिख रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लिविंग ग्रुप आराम से हट सकता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SN2 जो है करा दी। और जनरली जो नेगेटिवली चार्ज है वो तुम्हें देखेंगे, नेगेटिवली चार्ज मिलेंगे जिसके अंदर तुम्हें SN2 जो है वो कराना है,
तो उससे पता लग जाता है यार, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसा नहीं है यार, यहां पर तुम्हें रिएक्शंस को रटना है, रिएक्शंस को रटना नहीं है, है ना। ये रिएक्शन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी, ये रिएक्शन कहीं भी हो सकता है, तुम्हें कभी भी किसी भी एग्जाम में ना देखने को मिले। इज जस्ट दैट तुम्हें यहां पर फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा जी ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है तो मैं ये फंडा लगाऊंगा। जैसे मैथ्स में करते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हो या कैलकुलस के अंदर करते हो, कैलकुलस में बहुत सारे फॉर्म सीखते हो यार, ऐसे सॉल्व करेंगे वैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास, ठीक है। यहां पर इस वाले को देखो, सपोज हमारे पास यहां पर क्या है, ये है ठीक है, 1-chlorobutane और अमोनिया। चलो हम इसको एक्सेस को हटा देते हैं, अभी कोई सेंस नहीं है जबरदस्ती लिखने का, हम तो सिंपल सा फंडा देख रहे हैं। अमोनिया मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सीएल माइनस बढ़िया लिविंग ग्रुप है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर अटैक करा, ठीक है जी, बढ़िया लिविंग ग्रुप को हटा दिया, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहां पर है ही नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस तो बहुत ही कम है ना, क्योंकि प्राइमरी कार्बन है। तो देखो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात देखना, यहां पर इंटरेस्टिंग बात देखना, यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से अटैक करके यहां पर ये करेगा, पर इस प्रोसेस में क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो चार चार बॉन्ड बना देगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो उस पर प्रॉब्लम क्या होती है, कि जब वो वहां पर लोन पेयर देगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह देगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह। इसकी वजह से देखो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने तुम्हें बता रखा नाइट्रोजन पे चार सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, चार सिग्मा बॉन्ड हो गए यहां पर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप में स्टेबल नहीं होता है, यहां पर एक नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है कि रेदर देन स्टेइंग इन अ पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, है ना, हाइड्रोजन जो है वो यहां पर निकल जाएगा, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज इसका जो है वो खत्म हो जाए। यहां पर देखो, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां से देखो हमारे पास क्या हुआ, यहां पर हमारे पास एक H निकल गया, एक H निकला, तो नाइट्रोजन के सिर्फ कितने बॉन्ड बचे, 3 सिग्मा बॉन्ड बचे, और H जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, H के प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और वो Cl- के साथ इस तरीके से HCl के फॉर्म में रह सकता है। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अगर तुम्हारे पास अटैक करें तो उसमें ध्यान रखना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में जनरली तुम्हारा एक और स्टेप हो जाएगा जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या हो जाएगा, उसका कोई अगर हाइड्रोजन वगैरह लगा हुआ है तो हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है, यस। अटैकिंग ग्रुप पे स्टेरिक इफेक्ट नहीं देखना है, अगर अटैकिंग ग्रुप पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखी जा चुकी है, कि मैंने तुम्हें जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल बताए और ऑल द फैक्टर्स, जो भी इसके फैक्टर्स है वो सब मिला के तुम्हें देख लिया कि यार ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन काफी बढ़िया होती है, है ना, यस। चलो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है Na+, है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच माइनस, ठीक है जी, यहां पर दिया हुआ है हमारे पास CCBr, इसने यहां पर अटैक करा, इसको ऐसे हटाया, इससे क्या बन रहा है हमारे पास CCC ट्रिपल बॉन्ड सी एच Br माइनस प्लस Na+, इसको NaBr के फॉर्म में बोल सकते हो चाहो तो, ये तो जरूरी नहीं है, बट आइडिया इज कि C नेगेटिव है यहां पर जो है ना, ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्योंकि Br माइनस यहां पर बहुत आराम से निकल सकता है, Br माइनस बढ़िया जो है लिविंग ग्रुप है हमारे पास, है ना, ये आसानी से जो है बॉन्ड ब्रेक करके निकल सकता है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर है नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो ये सी नेगेटिव यहां पर अटैक करके इसको निकाल के ये वाला प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। एच प्लस फिर से अटैक नहीं कर सकता, कर सकता है, कर सकता है, बट आइडिया इज कि यहां पर अगर तुम इसको इस फॉर्म में छोड़ोगे तो देखो ये एक सॉल्ट की तरह है, अगर H+ वापस से यहां पर अटैक करता है तो सॉल्ट ही बनाएगा, पर सॉल्ट बनाने का मतलब अलग चीज होती है और कार्बन से बॉन्ड बनाना अलग चीज होती है। यार यहां पर ये नाइट्रोजन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन जो है वो यहां पर इसके लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होके यहां पर एक सॉल्ट बना सकता है। ये क्या बेस है, हमें पता है अमीन है ना, अमीन एक बेस है और ये एक एसिड है,
ये एक सॉल्ट के फॉर्म में रह सकते हैं जैसे मैंने ऊपर दिखाया। इस सॉल्ट को तुम ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, बस ये बोल रहा हूं मैं, इस सॉल्ट को तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो, है ना, और ब्रेक डाउन होके ये अपना एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट को जनरली क्या कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। हमारा रिक्वायरमेंट होता है ना, हमारा रिक्वायरमेंट जैसे अमोनिया से मैं इसका अगर रिएक्शन करा रहा हूं तो हमारा कुछ रिक्वायरमेंट होगा। क्या रिक्वायरमेंट होगा कि हम सपोज अमीन बनवाना चाहते हैं, तो अमीन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये तो अमोनियम का सॉल्ट हो गया। अगर अमोनियम सॉल्ट काम का नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, अमोनियम सॉल्ट को अमीन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सपोज यहां पर बेस डाल देंगे, कोई बेस डाल देंगे से OH- बेस डाल देंगे तो OH- से H+ को खींच लेगा और कोई रिएक्शन नहीं करवा पाएगा, ठीक है। Which is more correct representation, both are correct, है ना। तुम्हें ऑप्शन में पता लग जाएगा तुमसे क्या बनवाना चाहते हैं, ऑप्शन में पता लग जाएगा या रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप में पता लग जाएगा तुमसे क्या बनवाना चाहते हैं। अगर मैं इसको एक एक कंटेनर में छोड़ दूं, एक टेस्ट ट्यूब में छोड़ दूं, तो टेस्ट ट्यूब में तो ये इस फॉर्म में ही रहेगा। जब तक मैं इसको टेस्ट ट्यूब से निकाल के आगे यूज नहीं करूंगा तब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, या मैं इसमें टेस्ट ट्यूब में बेस नहीं डालूंगा तब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये तुम्हें या तो ऑप्शंस में पता लग जाएगा कि क्या बनवाना चाहते हैं, या तुम्हें आगे की रिएक्शन के स्टेप्स में पता लग जाएगा क्या बनवाना चाहते हैं। तो वो जो है तुम्हारा क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है, मैकेनिज्म तुम्हें दिख जाएगा बट फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्म कैसे लिखना है वो तुम्हारा क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा कि इस क्वेश्चन में क्या तुमसे निकलवाना चाहते हैं, सॉल्ट निकलवाना चाहते हैं या अमीन निकलवाना चाहते हैं, ठीक है जी। चलिए यहां पर देखिए, साइनाइड दिया हुआ है और आयोडीन दिया हुआ है, तो तुमने देखा होगा कि यार मैक्सिमम जो हमने आज यूज करे हैं लिविंग ग्रुप वो सारे के सारे क्या हैं, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनके अंदर SN2 मैकेनिज्म जो है बहुत कॉमनली देखा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप को हटा दो और ये लगा दो, लिविंग ग्रुप को हटा दो, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, अटैक करके हटा दो, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हमने करा दिया, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड न्यूक्लियोफाइल, लो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन दी सब्स्ट्रेट, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं। अरे यहां पर एक चीज और स्टडी कर लेते हैं, यहां पर हम एक चीज और स्टडी कर लेते हैं, सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं कि सॉल्वेंट यहां पर कैसा होना चाहिए। तो SN2 reactions के लिए कौन सा प्रिफर्ड हमारे पास सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट बच्चों हमने तीन तरीके के पढ़े, याद है तुमको, नॉन पोलर पढ़ा, ठीक है, पोलर पढ़ा है और पोलर में भी दो तरह के पढ़े, एक प्रोटिक पढ़ा है और एक हमने ए प्रोटिक पढ़ा है, ठीक है जी। तो नॉन पोलर जो है उसके अंदर है ना न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स और स्पेसिफिकली कौन से एनायंस आर नॉट स्टेबल, ठीक है, सो दिस इज नॉट प्रिफर्ड। ध्यान से देखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है उसके अंदर हम न्यूक्लियोफाइल्स आसानी से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल जो आज हमने देखे हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, एक्सेप्ट से अमोनिया या वॉटर, एक्सेट्रा। तो मोस्टली न्यूक्लियोफाइल्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज एनायंस जो है वो नॉन पोलर मीडियम के अंदर स्टेबल नहीं होंगे, आसानी से बन नहीं पाएंगे, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रिफर्ड नहीं होता। पोलर सॉल्वेंट के अंदर तुम न्यूक्लियोफाइल बना सकते हो, है ना, पर इसमें भी देखो प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर है ना न्यूक्लियोफाइल्स आर सॉल्वेटेड एंड हेंस शो लेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान से होता क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम लेके चलते हैं, देखो प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेटेड रहते हैं,
ये हमने कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सॉल्वेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो जो हमारे पास सॉल्वेशन अगर होता है तो यह न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसकी वजह से हमारे पास पोलर प्रोटिक के अंदर यह रिएक्शन होना ज्यादा फेवर्ड नहीं होता। ए प्रोटिक के अंदर जो है यह ज्यादा फेवर्ड होता है। ए प्रोटिक के अंदर क्या होता है हमारे पास, ज्यादा फेवर्ड होता है। सो इट इज लेस फेवर्ड, इट इज लेस प्रेफर्ड। है ना, ये हम यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को हम यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, है ना, वाटर को हम यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, या इथेनॉल को यूज कर सकते हैं, बट इतने प्रेफर्ड नहीं होते बिकॉज इनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी कम होती है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास सॉल्वेटेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है जी, यस, है ना। ए प्रोटिक जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट सॉल्वेटेड। ठीक है, तो इसके अंदर फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, तो इसलिए ये मोस्ट प्रेफर्ड होता है। ठीक है, ये मोस्ट प्रेफर्ड सॉल्वेंट होते हैं ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक। पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये गलती करते हैं कि जैसे अगर सपोज कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें SN2 कराने को दिया हुआ है, बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, बढ़िया लिविंग ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, पर सॉल्वेंट जो है वो पोलर प्रोटिक दे दिया, तो वो वहां पर SN2 नहीं कराते, है ना, वो ऐसे रट के बैठ जाते हैं कि पोलर प्रोटिक के अंदर SN2 होता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यार यहां पर तुम्हें ये नहीं रटना है, बहुत 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 सारे स्टूडेंट से गलती करते हैं, है ना, रट के बैठ जाते हैं कि पोलर प्रोटिक में नहीं कराएंगे SN2। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर कि पोलर प्रोटिक में नहीं होता, पोलर प्रोटिक में होता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी कम होगी। पोलर ए प्रोटिक के अंदर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा प्रेफर्ड है, बट दैट डजंट मीन कि पोलर प्रोटिक में नहीं हो सकता, पोलर प्रोटिक में भी SN2 हो सकता है। ओनली थिंग इज न्यूक्लियोफाइल की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास ज्यादा मिलती है। ठीक है, यस, टेलीग्राम का लिंक अनुपम ITD सर्च कर लो यार जाके टेलीग्राम पे। ठीक है, अनुपम ITD, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल तुम लोगों को मिल जाएगा। नोट्स जो है बच्चों मैंने एक सिंगल कंपाइल्ड फॉर्म में डाल दिए, अगर तुमने यूज नहीं करें वाले नोट्स तो वो नोट्स यूज कर लेना, बिकॉज ये जो मैं नोट्स बनवाता हूँ उनको एक साथ कंपाइल्ड फॉर्म में मैं डाल देता हूँ, है ना, जैसे अलग अलग फाइल तुम्हें नहीं यूज करनी पड़ती, एक ही जगह तुम सारे के सारे नोट्स देख सकते हो। ठीक है, सो अनुपम ITD, ठीक है, अनुपम ITD इसको सर्च कर लेना। चलिए जी, ये बात समझ में आ गई कौन सा हमारे पास प्रेफर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों हम यहां पर SN2 के और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं। जैसे काइनेटिक्स की बात करी जाए, अब काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमने बात करी कि ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, और अगर इसको जो है हम काइनेटिक्स की पर्सपेक्टिव से देखें और इसका हम रेट लॉ लिखना चाहें, तो रेट लॉ जो है वो एलिमेंट्री स्टेप के बेसिस पे लिखा जाता है। एलिमेंट्री स्टेप जो है उसके अंदर अगर देखा जा रहा है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि रेट जो होगा एक एलिमेंट्री स्टेप में डायरेक्टली जो है मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनका पावर 1 हो जाता है। तो यहां पर देखो इसका जो रेट लॉ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास सबस्ट्रेट की पावर 1, क्योंकि एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, है ना, R इज इक्वल टू K सबस्ट्रेट की पावर 1 न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। हमने बोला बाय मॉलिक्यूलर है या ऑर्डर 2 है इसका, तो ऐसा कुछ इसका रेट लॉ जो है वो निकल के आना चाहिए। ठीक है, यस, बात समझ में आ रही है ना, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल ऐसा हो जाना चाहिए हमारे पास, रेट लॉ की सिंपल सी अगर बात की जाए। स्टीरियोकेमिस्ट्री और रीअरेंजमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, पहले हम काइनेटिक्स को जो है पूरा पूरा कवर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो यहां पर वो क्या रहा है, काइनेटिक्स में मैंने तुम्हें क्या बोला कि काइनेटिक्स के अंदर यहां पर दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व है, तो जो रेट लॉ होगा उसमें क्या होगा, रेट लॉ के अंदर अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है,
तो यहां पर जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट है मल्टीप्लाइड बाय न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर वन, ये हमारा रेट लॉ होना चाहिए यहां पर। और क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है और ट्रांजिशन स्टेट यहां पर कुछ ऐसी क्रिएट होती है जिसकी बहुत हाई एनर्जी होगी, तो अगर हम बच्चों इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो पोटेंशियल और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा हमारे पास, है ना, जिसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिलेगा, है ना, एक ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिलेगा। यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और यहां पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, यहां पर जो डैमेज होगा वो कंपलसरी नहीं है कि यार एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी रिएक्शन भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक होना कंपलसरी नहीं है, जैसे नीचे की साइड आया बट दिस इज नॉट कंपलसरी, ऊपर की साइड में भी रह सकता है ना। डेलेच जो है यहां पर प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, बट ट्रांजिशन स्टेट यहां पर क्या रहता है, एक ही रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए, है ना, तो तुम इस तरीके से एक ग्राफ बना दोगे, है ना। अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की जाए तो यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। स्टीरियो केमिस्ट्री बच्चों हमने पढ़ रखा है, और स्टीरियो केमिस्ट्री जो है ना, इस रिएक्शन के अंदर समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, यहां पर जब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर, सपोज हमारे पास ये कोई सबस्ट्रेट है एक्स, अब ध्यान से देखो यहां पर ये क्या करता है, इस तरीके से अटैक करता है, ठीक है, क्या करता है ये, कुछ इस तरीके से अटैक करता है। ये इस तरीके से अटैक करने का क्या मतलब है, तो ये जो अटैक करने का मतलब है वो ये है कि यहां पर सपोज हमारे पास एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है ना, इस sp3 हाइब्रिड कार्बन पे पीछे की साइड से, पीछे की साइड मतलब जिस साइड न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऑपोजिट साइड से क्या होता है, यहां पर अटैक होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, From 180 degree angle to the leaving group, ठीक है, जो leaving group है हमारे पास उसके 180 degree से ही attack करता है, opposite side से attack करता है। और इस process में होता क्या है, ये जो carbon है, ठीक है, ये अपने एंगल्स को इस तरीके से अरेंज करता है ताकि ये पीछे से इस इलेक्ट्रॉन्स को ले पाए और ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल के जाएं, तो इसको अपना थोड़ा सा जो वो है ज्योमेट्री वो चेंज करना पड़ता है। तो जब हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट में हमें क्या देखने को मिलता है, देखो ट्रांजिशन स्टेट में ये हमारे पास कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है ना, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट में ये हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो देखो ये वाला पार्ट हमारे पास प्लानर हो जाता है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन हैं ये सारे के सारे एक प्लेन में आ जाते हैं और इस प्लेन के ऊपर की साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, नीचे की साइड से एक्स निकल रहा है, क्या एक साइड से एक्स निकल रहा है दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यह इसका स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, यह इसका क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या पीछे की साइड से अटैक करता है, जिस साइड से एक्स निकलना होता है उसके 180 डिग्री से अटैक करता है, और जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो ट्रांजिशन स्टेट में ये कार्बन हाइड्रोजन जो है वो एक प्लेन में आ जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल एक साइड रहता है, एक्स एक साइड रहता है, ठीक है, सेम साइड से नहीं हो पाता, सेम साइड से अटैक नहीं हो पाता। अब इस सेम साइड से अटैक नहीं हो पाता, इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये देखो या तो मैं वीबीटी से एक्सप्लेन कर लूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो ऐसा बोलता हूं कि यार देखो ये हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है जी, ये हमारा क्या है एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
इस sp3 हाइब्रिड का जो बड़ा वाला लोब है वो x से जुड़ा हुआ है, जो छोटा वाला लोब है वो पीछे की साइड है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आता है यहां पर, तो न्यूक्लियोफाइल करता क्या है, न्यूक्लियोफाइल इस छोटे वाले लोब के अंदर अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स देना स्टार्ट करता है। इन इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इस लोब की साइड जाने लगते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स की साइड जाने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लोब में जाएंगे, ये एक्स की साइड जाएंगे। इसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूक्लियोफाइल इसी साइड से अटैक कर दे, वो नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसी साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। या फिर अगर हम इसको एमओ के फॉर्म में समझाएं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फॉर्म में, ठीक है, यहां पर देखो मैं लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं इन द फॉर्म ऑफ वीबीटी, है ना, ये अपना वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। अगर मैं इसको MO2 के फॉर्म में समझाऊं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो MO है, ठीक है, बॉन्डिंग MO, CX जो है ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लाए इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और ये कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सिग्मा बॉन्डिंग, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है ना, तो न्यूक्लियोफाइल गिव्स इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा स्टार ABM, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा होगा, तो वो सेम साइड से नहीं आ सकते, है ना जी, सेम साइड से नहीं आ सकते, सेम साइड आने में मुश्किल होगा। अगर मैं वीबीटी के फॉर्म में समझाऊं, तो वीबीटी के फॉर्म में बोलूंगा कि यार यहां पर ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें एक साइड x के साथ है, यहां पर दूसरा लोब यहां पर है, ये दूसरे लोब में अपने इलेक्ट्रॉन देके इन वाले लोब को खत्म कर देता है, खाली कर देता है, और अपने जो है x इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है। या फिर अगर हम MO के फॉर्म में बोले, तो MO के फॉर्म में बोलेंगे यार CX जो है वो एक साइड पे BMO की साइड में बना हुआ है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो ABMO सिग्मा स्टार के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। तो ये सेम साइड से रिएक्शन नहीं हो सकती, है ना जी, सेम साइड से रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से फाइनली हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहां पर बोलेंगे कि देखो यहां पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो भी थी, और यहां पर सपोज मैं बोल रहा हूं कि यार यहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉन्फ़िगरेशन 2 है, कौन सी वाली, स्टीरियोकेमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, कि यार यहां पर कार्बन के इस साइड एक्स था, यहां पर इस साइड हाइड्रोजन थे, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई। वो कॉन्फ़िगरेशन उल्टी कैसे हो गई, हाइड्रोजन उस साइड चले गए और न्यूक्लियोफाइल जो है इस साइड आ गए। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उल्टी हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होने का मतलब कि हाइड्रोजन जो है पहले जिस साइड थे, हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड चले जाते हैं, पहले जिस साइड एक्स था उसके ऑपोजिट न्यूक्लियोफाइल आकर लग जाते हैं। और जब यहां पर तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन RS के फॉर्म में चेंज होगा कि नहीं होगा, यह डिपेंड करता है, ठीक है, RS के फॉर्म में, है ना, कि भाई यहां पर R कॉन्फ़िगरेशन से S आ गया या S से R आ गया, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ये वाला कार्बन रिएक्शन के बाद एक कायरल है कि नहीं है। कायरल कार्बन होना जरूरी है ना, तो ही तो हम बोलेंगे R का S हो गया या S का R हो गया। अगर वो कायरल कार्बन ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। बट अगर सपोज इनिशियली R था, तो ये जो है देखा जाएगा जनरली कि वो S हो जाता है। बट अगेन ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो है तुम CIP रूल लगाओ और CIP रूल के अकॉर्डिंग देख लो। बट मोटा मोटा ये जो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है कि हाइड्रोजन इस साइड थे फिर हाइड्रोजन इस साइड चलेगा, या जो भी ग्रुप इस साइड थे वो ग्रुप उस साइड चलेगा, ये जरूर हो जाएगा। हाँ, RS होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पहले कायरल था कि नहीं था। अगर पहले भी एक कायरल था, बाद में भी एक कायरल है, तो ये सब डिस्कशन का मतलब ही नहीं है। अगर कायरल मॉलिक्यूल है, यहां पर ये कायरल कार्बन है, तो तुम कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना उल्टा हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, और यहां पर रीअरेंजमेंट्स,
तो क्योंकि ये सिंगल स्टेप में है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सो नो रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, रीअरेंजमेंट्स जो है बच्चों हमने देखे हुए हैं, रीअरेंजमेंट्स हमने देखे हुए हैं कहां पर, रीअरेंजमेंट्स हमने देखे हुए जैसे कार्बोकेटाइन बना वहां पर रीअरेंजमेंट होता है। अब अगर कार्बोकेटाइन नहीं है तो रीअरेंजमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, सिंगल स्टेप का मतलब कि भाई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट का यहां पर कुछ भी मतलब नहीं है। चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इन एस एन टू रिएक्शन इफ वी डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल द एसएन रेट ऑफ एस एन टू रिएक्शन इंक्रीज बाय व्हाट अमाउंट। काइनेटिक्स का क्वेश्चन तुम्हें यहां पर दिया हुआ है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जेई के अंदर भी जो है आराम से ऑर्गेनिक, ठीक है जी, ऑर्गेनिक प्लस काइनेटिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जेई में भी दिए जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो कि काइनेटिक्स और ऑर्गेनिक को मिक्स करके बनाए जाते हैं, जिसके अंदर तुमसे सबस्ट्रेट है ना या जो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके तुमसे पूछ लिया जाता है कि रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ। ठीक है जी, यस, देखो सभी बता पा रहे हैं यहां पर। रेट लॉ जो है अगर तुमने लिख लिया ये वाला कि SN2 है, SN2 के अंदर सबस्ट्रेट जो है, ठीक है जी, उसका पावर वन और न्यूक्लियोफाइल जो है उसका पावर वन। सपोज हमारे पास ये R1 है, ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, सबस्ट्रेट वन न्यूक्लियोफाइल वन ये कॉन्सेंट्रेशन है। हमने R2 रखा, ठीक है, वो क्या है, टू टाइम्स द सबस्ट्रेट वन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, रेज टू पावर वन एंड टू टाइम्स दी न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर वन। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारे पास, ये हो गया फोर टाइम्स ऑफ के है ना इंटू सबस्ट्रेट वन इंटू न्यूक्लियोफाइल वन, सो फोर टाइम्स ऑफ आर वन। ठीक है, एक सेकेंड, के हटा देता हूं मैं यहां से, फोर टाइम्स ऑफ आर वन ये हो जाएगा। तो सिंपल सा बी इज द करेक्ट आंसर। SN2 है ना, SN2 के अंदर हमारे पास ऑर्डर जो है वन है दोनों के, सबस्ट्रेट के और उसके, हमने जो है अगर वहां पर वन वन कर दिया तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, यहां पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, ध्यान से देखो, व्हाट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, PHCH2Br एंड PHBr यहां पर दिया हुआ है, NH3 डाला है, प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, इसमें से क्या आपको मिलना चाहिए, ए बी सी डी, ये आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से इसके अंदर बताओ आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और जल्दी से जो है इसको शेयर भी करते जाओ है ना, और बच्चों अभी तक आपने जो है मेरी स्पेशल क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं करी हैं तो मेरी प्रोफाइल पे जाओ, वहां पर अनुपम या अनुपम लाइव कोड का यूज करके जो है स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, और यहां पर जो है जितनी भी हमारी चीजें चल रही हैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड उसके साथ साथ पैरेलल में इनऑर्गेनिक अगर खत्म कर दोगे जो कि मैं स्पेशल क्लासेस में कराता हूं तो बहुत फायदा भी हो जाएगा। तो अभी तक तुमने जो है ब्लॉक केमिस्ट्री ग्रुप 16 जो है वो नहीं देखा है, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, तो ग्रुप 15 16 में जो मैंने जो है स्पेशल क्लासेस के अंदर खत्म करा दिया है तो वो जरूर देख लेना, उसके बाद हम ग्रुप 17 और 18 जो है वो अपकमिंग क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, स्पेशल क्लासेस के अंदर ये चीज हो रही है। ठीक है, जल्दी से यहां पर बताओ आंसर क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, यहां पर सभी जो है आंसर दे पा रहे हो है ना, जल्दी से इसको शेयर भी कर दो, ए इज द करेक्ट आंसर है ना, क्यों, बिकॉज हमने बोला था कि यार एराइल ब्रोमीन जो है यहां पर तो SN2 नहीं हो सकता, अच्छा लीविंग, अच्छा जो है न्यूक्लियोफाइल है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, लीविंग ग्रुप बढ़िया है, लीविंग ग्रुप बढ़िया है, तो N यहां पर अटैक करके इसको निकाल देगा, A जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यहां पर एराइल ब्रोमीन पे रिएक्शन नहीं होने वाला। ठीक है जी, चलिए यहां पर बताइए क्या होगा बच्चों, ठीक है यहां पर बताइए, अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट है ना, यहां पर जो है दिया हुआ है और इसके अंदर देखो क्या क्या है, ए वाले के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो टू ब्रोमे टू मिथाइल ब्यूटेन, सबसे पहले तो हम ब्यूटेन बना देते हैं, फिर यहां पर टू ब्रोमो
और 2 मिथाइल ये बना देते हैं, फिर 1 ब्रोमो पेंटेन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या बना दिया, 1 ब्रोमो पेंटेन बना दिया, फिर 2 ब्रोमो पेंटेन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो हमने 2 ब्रोमो पेंटेन बना दिया, है ना। तो 1, 2, 3 रेट ऑफ रिएक्शन SN2 की तुमसे पूछी जा रही है, किसके अंदर फास्टेस्ट होगी। तो देखो न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया हुआ है, लिविंग ग्रुप सेम ही है, न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया हुआ है, लिविंग ग्रुप सेम है, तो सबस्ट्रेट के भीड़ भाड़ इफेक्ट पे तुम देख लोगे स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर सेकंड वाला जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर थर्ड वाला और फिर फर्स्ट वाला। सेकंड वाला हमारे पास क्या है, मेनली प्राइमरी कार्बन है, है ना। सेकंड वाला प्राइमरी है, थर्ड वाला सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है जिसपे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और इस कार्बन पे जो है हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, इस पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है ना। अच्छा बी वाले की बात करते हैं, देखो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारे पास 3 ऑप्शंस है, है ना। इसको करके देखते हैं, हमारे पास क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो ये है हमारे पास, ये 1 है, फिर देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिर हमारे पास दिया हुआ है 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 2 दिया हुआ है, फिर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है, ठीक है जी। अब यहां पर पूछा हुआ है वापस से किसके बेसिस पे आंसर करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे, ठीक है जी। स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे आंसर कर दो, देखो यहां पर सबसे कम होगी फर्स्ट में, सबसे कम होगी फिर थर्ड के अंदर, और फिर हमारे पास सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर तो ऑलमोस्ट तुम्हारा जो है 3 डिग्री कार्बन पे तो SN2 प्रेफर्ड होता ही नहीं है, नहीं हो पाता, ठीक है, 3 डिग्री पे तो नहीं हो पाता है। तो सेकंड यहां पर जो है 1, जैसे यहां पर है 1, इस पे प्रेफर्ड नहीं होगा, सेकंड पे प्रेफर्ड SN2 नहीं होगा, ठीक है। यहां पर बताओ सही आंसर क्या होगा, SN2 रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है किसके थ्रू, क्या कार्बोनियम आयन, दैट इज कार्बोकेटाइन के थ्रू, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, फ्री रेडिकल के थ्रू, कार्बन आयन के थ्रू, है ना, किसके थ्रू हमारे पास जो है SN2 रिएक्शन होती है। तो SN2 रिएक्शन के अंदर देखा जाए बच्चों, तो हमारे पास क्या मिलती है, हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, बाकी कोई भी इंटरमीडिएट नहीं देखा जाता। ये तीनों क्या है हमारे पास, ए सी और डी, ये तीनों हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स हमारे नहीं क्रिएट होते SN2 के अंदर, ठीक है। SN2 के अंदर हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो नहीं क्रिएट होते, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है उसके थ्रू हमारी रिएक्शन होती है ना जी। चलिए ये तो हमने कर लिया, ये भी बढ़िया, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एक्स एंड वाई, यहां पर देखो क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है यहां पर, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करने में तुम्हें जो है मजा आएगा। देखो 4-डेकाइन यहां पर दिया हुआ है हमें, ठीक है। 4-डेकाइन का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 10 कार्बन है यहां पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और यहां पर क्या दिया हुआ है कि 4-डेकाइन ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर फोर्थ वाले कार्बन पे क्या मिलेगा तुम्हें, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, है ना। अब ये बोला है कि यार ये तुम्हें प्रोडक्ट यहां पर बनाना है, और किसकी प्रेजेंस में बनाना है, एक एल्काइन है, एक एल्काइल हैलाइड है, और यहां पर NaNH2 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि एक एल्काइल हैलाइड है, एक एल्काइन है, और NaNH2 तुम्हारे पास है, इनकी प्रेजेंस में यह बनना चाहिए। तो अब तुम्हें ये तीनों देख के क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा। देखो हमें क्लियर कट आंसर तो दे ही रखा है, हमें तो प्रोडक्ट तो दे ही रखा है, हमें तो यहां पर पूछ रहा है कि यार सबस्ट्रेट क्या होगा, है ना। प्रोडक्ट तो हमें दे ही रखा है, हमें तो सबस्ट्रेट पूछ रहे हैं, तो बहुत आसानी से बैक ट्रैक किया जा सकता है, है ना। क्यों आसानी से बैक ट्रैक इसलिए किया जा सकता है, बिकॉज देखो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहां पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। क्या 2 पॉसिबिलिटीज हैं, देखो, या तो यहां पर C, 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 CL ये हो, और इस पे C ट्रिपल बॉन्ड C,
है ना, इसका अटैक हो जाए नेगेटिव, इसका अटैक हो जाए और ये निकल जाए, या तो एक ये पॉसिबिलिटीज है ना, बात समझ में आ रही है, या तो एक ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा देखो एक ये पॉसिबिलिटी है ना, एक तो हमने बोला देखो इस तरीके से कि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो ये हमारा केस वन हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हमें यहां देखने को मिलेगा कि सपोज यहां से तुम्हारा नया बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं और सेकंड पॉसिबिलिटी ये लिख सकते हैं, सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी 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 सी, यहां पर देखो माइनस और यहां पर सी है कि भाई यहां पर जो सी नेगेटिव है इसने यहां पर ऐसे अटैक करा और इसको निकाल दिया। दो पॉसिबिलिटीज है ना, तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है प्रेफर्ड होगी, जल्दी से देखो बेस्ड ऑन दीज टू पॉसिबिलिटीज करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास यहां पर क्या निकल के आएगा, तो अगर मैं देखूं यार यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही है ना, फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पांच कार्बन पे सीएल लगा हुआ है, पांच कार्बन पे सीएल लगा होने का मतलब क्या है, अच्छा ये भी है, हाँ यहां पर भी है, डी वाला भी हमारे पास, डी वाले के अंदर क्या है ना, ये कितने हो गए पांच छह सात, तो यहां पर देखो ये एक दो तीन चार पांच छह सात, यस है ना, ये हमें दिया हुआ है, यहां पर एक डी वाला दिया हुआ है, डी वाला मैचेस विद वन है ना, दिख रहा है ना, डी वाला मैचेस विद वन, और एक क्या दिया हुआ है, एक हमें ये दिया हुआ है, ये किसी के साथ मैच कर रहा है क्या, यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है और पांच कार्बन जो है इसके बाद ये, ना दो तीन चार, तीन चार, हाँ तो ये मैच नहीं कर रहा, ये हमारा मैच नहीं कर पा रहा, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी देखें तो वो मैच नहीं कर पा रही, तो इसके अंदर देखें तो यार डी वाला हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास क्या हो, एल्काइन हो और ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो, तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी है ना। अच्छा फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर यहां पर तो हमें एल्काइन दिया हुआ है और आपने यहां पर इसको जो है नेगेटिव चार्ज बना के अटैक करा दिया, ये कैसे करा दिया, और यहां पर जो NaNH2 का जो दिया हुआ है NaNH2 वो क्या कर रहा है, क्या यहां पर NaNH2 खुद रिएक्ट नहीं कर सकता, NH2- भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये सब चीजें भी दिमाग में आनी चाहिए तुम्हारे, है ना, आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास एल्काइन है वाई, ठीक है, वाई जो एल्काइन है, जैसा कि हमने क्या निकाला, जैसे ये निकाला, तो इसके अंदर कर क्या रहे हैं, सी फोर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एन एन एच टू, पहले ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है जी, पहले ये रिएक्शन करा रहे हैं, है ना, पहले ये रिएक्शन करा रहे हैं। इस रिएक्शन में देखो होगा क्या, इस रिएक्शन में NH2 माइनस हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हम पढ़ चुके हैं कौन से जो आयंस हैं वो पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, किसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, ये हमने बच्चों जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर देख रखा है, याद है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एच जो है वो हमारे पास लाइटली एसिडिक है, हमने इसका क्वेश्चन कर रखा है, बकायदा इसका क्वेश्चन करा है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस इज मोर स्टेबल देन NH2 माइनस, इसका हमने बकायदा क्वेश्चन करा हुआ एक है ना, क्वेश्चन में मैंने तुम्हें लिख के दिखाया है। देखो हो क्या रहा है, यहां पर पहले ये इसके साथ ये डाल रखा है, अब वो लिखा हुआ नहीं है पर तुम्हें समझ में आना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट तुम्हें डायरेक्टली दे रखा है, अगर प्रोडक्ट नहीं देते तो फिर भी कंफ्यूजन होता, पर प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा है तो अब तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए कि यार यहां पर सबसे पहले ये हो रहा है, इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, अब इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर हुआ क्या, हमारे पास इस स्ट्रॉन्ग बेस ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा लिया और क्या बनाया, और ये बनाया,
ठीक है जी। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है ये कहां पर अटैक कर रहा है? एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है। अब जो न्यूक्लियोफाइल बना वो एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। पर रिएक्शन का आंसर निकालना, अगर ये स्टेप्स तुम्हारे दिमाग में तुम्हें दिखने लग जाए बार बार प्रैक्टिस से, तो निकालना बहुत ही आसान है। तो ये चीज जो है तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम यहां पर जो इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसलिए करते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज तुम्हें ऐसा कुछ लिख के दे देंगे अब तुम चकरा जाओगे कि सर ये तो मैंने कभी रटा ही नहीं पहले, रटने की बात नहीं है, है ना। ऑर्गेनिक में तुम्हें कुछ भी लिख के दे सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर, रटने की बात नहीं है, रटना नहीं है यहां पर। तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। यहां पर एक क्या दे रखा है, एल्काइन दे रखा है। एल्काइन जो होता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, साथ में NaNH2 दे रखा है, NH2 माइनस है, बहुत ही बढ़िया बेस है। इसकी हमने बात करी थी कि यार ये लेस स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये दोनों रिएक्ट करके पहले हमारे पास ये रिएक्शन देंगे, फिर ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा जो कि एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर देगा, उससे हमारे पास इस तरीके का एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है जी, मजा आ गया करके, है ना, मजा आना चाहिए क्वेश्चन करके, ठीक है, फील आनी चाहिए क्वेश्चन करके। ऑर्गेनिक फील वाला सब्जेक्ट है यार, ऑर्गेनिक जो है वो फील वाला सब्जेक्ट है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ओ भाई साहब OH माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और ब्रोमाइड दिया हुआ है, अटैक तो होगा ही होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान से देखो, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री ब्रोमाइड है, और मजे की बात है कि तुम्हें खुद ही बोल रखा है कि यार स्टीरियो केमिस्ट्री देख लो, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन बना रखा है। फिशर प्रोजेक्शन यहां पर दे रखा है अगर, है ना जी, फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर प्रोजेक्शन का सिर्फ एक ही टारगेट होता है देना, कि तुम स्टीरियो केमिस्ट्री पे ध्यान दो, वरना फिशर प्रोजेक्शन का क्या फायदा, सिंपल सिंपल सीधी लाइन में लिख के दे देते ना। फिशर प्रोजेक्शन दे ही रखा है, इसका मतलब तुमसे स्टीरियो केमिस्ट्री तो निकलवा ही लेंगे। तो जल्दी से बता दो यहां पर क्या होगा, ज्यादा कुछ सोचने का है ही नहीं, ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं। OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करना चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में ब्रोमीन लगा है, जिस डायरेक्शन में ब्रोमीन लगा है OH उस डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये हमें समझ में आना चाहिए। जिस भी डायरेक्शन में ब्रोमीन है OH उस डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, कॉन्फिगरेशन उलट जाना चाहिए, कॉन्फिगरेशन जो है वो उलट जाएगा। तो कॉन्फिगरेशन कैसे उल्टा होगा, यहां पर देखो, अब यहां पर हमारे पास दो दो कार्बन है, ये भी बहुत ध्यान देने की है कि दो दो कार्बन पे क्या है, यहां पर दो दो कार्बन है जो कि कायरल है, ये दोनों ही कार्बन कायरल है, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास कायरल कार्बन है, बट जिसपे ब्रोमीन लगा हुआ है अटैक तो सिर्फ उसके ऊपर ही होगा, जिसपे ब्रोमीन लगा हुआ है सिर्फ इस कार्बन पे अटैक होगा, नीचे वाले पे क्या हुई होगा, नीचे वाले पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो साइड में लगा हुआ, वो साइड वाला ग्रुप है। हमने देखा क्या कभी SN2 के अंदर, हमने ये देखा क्या कि साइड वाले ग्रुप पे कुछ हो रहा है, साइड वाले ग्रुप पे कुछ नहीं होता, तो इस साइड वाले ग्रुप पे तो कॉन्फिगरेशन का कोई चेंज नहीं होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास, देखो ये जो नीचे वाला है उसके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं होगा, वो तो एज इट इज रहेगा, पर ये वाला जो कार्बन है इस पे जिस साइड से ब्रोमीन आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड से ही OH लगाना है, सेम साइड पे नहीं लगा सकते। तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर इस हाइड्रोजन को जो है तुम इस साइड भेज दोगे, इस हाइड्रोजन को हमने यहां भेज दिया और जो OH है वो ऑपोजिट साइड लगा दिया और यहां पर कार्बन लगा दिया, दिस शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। कॉन्फिगरेशन हमने चेंज कर दिया, मैंने तुम्हें बोला था कि यार कॉन्फिगरेशन उलटती है, हाइड्रोजन है कायरल कार्बन है तो उल्टा के तुम जो है ऐसे लगवाओगे, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारे पास लीविंग ग्रुप होता है फिशर प्रोजेक्शन में भी उसी डायरेक्शन में प्रोडक्ट तो नहीं आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल तो नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल उसके ऑपोजिट साइड से आएगा, तो उल्टी साइड से लगा दो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास बी वाला आंसर। तो इस क्वेश्चन से तुम्हारे दो दो फंडे क्लियर होने चाहिए और तुम्हारे एडवांस के अंदर इस तरह की रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस के लिए है, कान खोलकर सुन लो, एडवांस के लिए ऐसी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस में यही होता है, तुम्हें स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट्स बना के दे देते हैं कि कौन सा वाला स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट जो है वो भी एक्टिव है, प्रोडक्ट जो है वो भी एक्टिव है, तो एडवांस के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये तो एक बेबी स्टेप है ना, ये एक बेबी स्टेप है,
ऐसे और बहुत महान महान हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो मैकेनिज्म के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से मैकेनिज्म टैकल किया जाता है, है ना, मैकेनिज्म के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री टैकल करी जाती। तो ये याद रहना कि SN2 के अंदर कॉन्फिगरेशन चेंज होगा, ठीक है जी। बाकी बच्चों आपके जो है होमवर्क क्वेश्चन है, देखो मैंने JEE के क्वेश्चन दिए तो मैं होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है जी, तो ये जरूर कर लेना, है ना। और ये बच्चों आपका जो है रेगुलर टाइम है जिसपे आपकी नॉर्मल क्लासेस जो है होती हैं, साथ में livedaily.me/JEE बच्चों इस वीडियो बुक पे जाके आप सारे के सारे हमारे लेक्चर जो अभी तक हुए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। बहुत अमेजिंग लेक्चर्स हैं, पूरी अनअकैडमी JEE टीम ने बिल्कुल शिद्दत के साथ बनाए हैं, है ना, आपकी पूरी बेहतरीन टीम है, नंबर वन टीम है इंडिया की जो आपके ये लेक्चर्स बना रही है। पूरे पूरे लेक्चर्स देखो, तुम्हें जो है एडवांस लेवल तक कंसेप्ट्स पे ग्रिप आ जाएगी, है ना। ये सभी टीचर्स की तुम्हें गारंटी है, ठीक है, सभी टीचर्स की गारंटी है कि तुमने अगर शिद्दत से ये वाली वीडियो बुक देख ली हमारी तो तुम्हारी एडवांस लेवल की जो है बिल्कुल ग्रिप आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके बोलते हैं आफ्टर दी रिजल्ट कि सर मजा आ गया रिजल्ट लाके, ठीक है जी। और यहां पर बच्चों जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लो ताकि तुम्हें लाइव अपडेट्स आते रहे। और अगर जो है इसी तरह के कंसेप्ट और ज्यादा बढ़िया बिल्ड करना चाहते हो तुम, है ना, तो बिल्ड करने के लिए जो है तुम सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। मतलब ये कंसेप्ट जो है जैसे यहां पर बिल्ड हो रहे हैं वो तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर अगर तुम लाइव इंटरेक्शन करोगे तो तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, पंडे और ज्यादा स्ट्रांग बिल्ड हो जाएंगे। और लाइव क्लास एनवायरमेंट में बहुत सारे तुम्हें प्रैक्टिस जो हम कराते हैं पोल्स लीडर बोर्ड्स के थ्रू, उसके थ्रू भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पंडे और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तुम्हें कॉम्पिटिशन का पता लगेगा, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। रेगुलर टेस्ट के थ्रू भी ये पता लगता है कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, बिकॉज अल्टीमेटली रैंक इज एवरीथिंग, JEE के अंदर रैंक इज एवरीथिंग। तो अगर तुम्हें बेस्ट रैंक लेके आना है तो बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ के बेस्ट रैंक बिल्कुल लेके आ सकते हो। इंडिया के बेस्ट टीचर्स बटो आपको सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए करना क्या है, अनअकैडमी के ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन पे जाओ, एक से दो साल का सब्सक्रिप्शन ले लो और उसके अंदर जो है अनुपम लाइव कोड जो है उसका यूज कर लो। अनुपम लाइव कोड जो है मेरा कोड है, अगर तुम यूज करते हो मुझे भी खुशी मिलती है कि यार तुमने जो है यहां पर ये लेक्चर देखे, तुम्हें पसंद आए, मेरी मेहनत सफल हुई। उसके साथ साथ तुम्हें यहां पर डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट अगर इस कोड का यूज करते हो तो। एक से दो साल का सब्सक्रिप्शन तुम आइकॉनिक अगर ले लेते हो तो यार आइकॉनिक के अंदर तुम्हें नेक्स्ट लेवल चीज मिल जाती है, मेंटर्स मिल जाते हैं, पर्सनल मेंटर्स, ऐसे मेंटर्स जो तुम्हें कंटिन्यूअसली गाइड करते हैं, तुम्हारा स्ट्रक्चर देते हैं तुम्हें, ठीक है, तैयारी को स्ट्रक्चर देते हैं, तुम्हें टाइम टेबल देते हैं कि यार कैसे तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। और नए बैचेस बच्चों जो है हमारे स्टार्ट हो गए हैं अगस्त के अंदर। अगर तुम प्लस पे आना चाहते हो बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम लग रही है तो तुम अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हो। यहां पर तुम्हारा जो है हर संडे को बच्चों 11 बजे होता है, एंड अगेन यू कैन यूज दिस कोड अनुपम लाइव अनअकैडमी की ऐप के ऊपर इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, इसमें तुम जो है स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो, बहुत सारे प्राइजेस भी अवेलेबल है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर डालो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि हमारे इस तरह के अमेजिंग लेक्चर्स जो हैं वो मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप 15 16 के कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, ठीक है, ऐसे देख सकते हो आनंद, ठीक है जी। चलिए बाय गाइस।